पूरी दुनिया में 1% से भी कम प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होता है जो कि क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाता है और बाकी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कुछ दिन बाद अपना कमाल दिखाते हैं। पिछले एक महीने से मैं मेरे फ़ोन में घोस्ट टॉर्च लेके चल रहा हूँ। इसे फिक्स करने के लिए बहुत रिसर्च किए, जैसे लाइटर से स्क्रीन के ऊपर फायर करना, बहुत सारे कस्टमर्स ट्राई करना एक्सेट्रा। बट उसे समझने से पहले जानना होगा कि टॉर्च काम कैसे करता है। दुनिया का पहला टच स्क्रीन 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ था जिसे E.A. जॉनसन ने बनाया था। टच स्क्रीन दो तरीके के होते हैं, कैपेसिटिव टच स्क्रीन एंड रेजिस्टिव टच स्क्रीन। कैपेसिटिव टच स्क्रीन ग्लास एंड प्लास्टिक के मल्टीपल लेयर से बनी होती है जिसके ऊपर कंडक्टर मटेरियल्स जैसे इंडियम टीन ऑक्साइड या फिर कॉपर से बनी होती है। ये तभी रेस्पॉन्ड करता है जब भी कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे आपका फिंगर्स। जहाँ पे आप अपने स्क्रीन को टच करते हो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपका डिवाइस उस इन्फॉर्मेशन को टच इवेंट मान लेता है। हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स में कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता है। व्हाई? वेल, रेजिस्टिव टच स्क्रीन में जब आप एक से ज़्यादा टच इनपुट करोगे तो वो कन्फ्यूज हो जाता है और ये कैपेसिटिव स्क्रीन की तरह ब्राइट नहीं होते हैं, थिक ब्लू एंड येलो कलर्ड लेयर्स की वजह से। इसीलिए रेजिस्टिव टच स्क्रीन को ATM मशीन या POS टर्मिनल्स में यूज किया जाता है। घोस्ट टच एक डेडली स्क्रीन प्रॉब्लम है। ये ब्रोकन स्क्रीन से भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली टच रजिस्टर हो जाना, स्क्रीन के कुछ हिस्से फ्रीज हो जाना और आपका दिमाग खराब कर देने जैसे सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर घोस्ट टच प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से होता है, बट कुछ और भी रीजन होते हैं जैसे पुअर चार्जिंग केबल और चार्जर के वजह से पावर इम्बैलेंस हो सकता है जिससे स्क्रीन ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड कर देता है। इसीलिए आपको हमेशा ऑफिशियल या फिर सेम पावर आउटपुट वाले चार्जर्स को यूज करना चाहिए। दूसरा रीजन है ओवरहीटिंग या फिर कोल्ड वेदर। मैं पहले गेमिंग और चार्जिंग एक साथ करता था, बैक कवर की वजह से मुझे टेम्परेचर महसूस नहीं होता था, लेकिन जब मैंने एक दिन बिना बैक कवर में खेला तो मुझे पता चला कि डिवाइस कितना हीट हो जाता है। बाय द वे, यू कैन चेक आउट माय गेमिंग चैनल फ्रॉम द एंड स्क्रीन। तीसरा रीजन है स्क्रीन प्रोटेक्टर्स। जब प्रॉपरली स्क्रीन प्रोटेक्टर्स अटैच नहीं होते हैं तब ये दिक्कत आती है। चौथा रीजन है डिवाइस बेंड हो जाना, जो ऑटोमेटिकली हो जाता है पुअर स्ट्रक्चर की वजह से। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़ ली, बहुत रिसर्च कर लिया और उनके कहे मुताबिक पहले मैंने टेम्पर्ड ग्लास हटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने लाइटर से बहुत बार बहुत टाइम तक फायर करता रहा, फिर कुछ टाइम बाद घोस्ट टच बंद हो गया, बट जब मैं फ़ोन को लॉक करके फिर से अनलॉक किया तब फिर से ऑटो टच स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सोचा कि जब हम डबल टैप टू वेकअप फीचर को ऑन करके रखते हैं तब स्क्रीन कम्प्लीटली ऑफ नहीं होता, यानी स्क्रीन से लाइट तो चला जाता है पर टॉर्च लेयर ऑन रहता है। डिजिटाइजर जो कि रेस्पॉन्सिबल है टॉर्च इनपुट के लिए, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है, यानी स्क्रीन पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता रहता है, तभी तो लॉक्ड फोन के स्क्रीन पे टैप करने से फोन रेस्पॉन्ड कर पाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डबल टैप टू वेकअप ऑफ करके रेस्ट टू वेक को ऑन करो ताकि डिजिटाइजर को थोड़ा रेस्ट मिल सके। उसके बाद डिफरेंट रोम ट्राई किया, बोथ ऑफिशियल एंड कस्टम रोम्स, बट रिजल्ट हर बार सेम रहा और घोस्ट टच होता रहा। फिर मुझे पता चला कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए मैं आपको कुछ अल्टीमेट फिक्सेस बताऊंगा जिससे घोस्ट टच होने के बाद भी आप अपने सारे काम कर सको। तो पहले हमें उन जगहों को अनरेस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा जहाँ पे ये घोस्ट टच हो रहा है, और उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पार्शियल स्क्रीन। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और इसका फाइल साइज 2.1 MB है जो कि बहुत कम है। आपको कुछ परमिशन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ताकि वो ऐप स्क्रीन पे ड्रॉ कर पाए। सिंपली जो जो परमिशन मांगता है उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस ऐप के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला है ऑटोमेटिक डिटेक्शन, जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली घोस्ट टच को डिटेक्ट करेगा और उन्हीं जगहों को ब्लॉक कर देगा। अगर आप स्क्रीन एनालाइजिंग के वक्त स्क्रीन पे टच करोगे तो ये उसे भी घोस्ट टच मान लेगा, इसीलिए एनालाइजिंग के वक्त स्क्रीन में टच मत कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है मैनुअल मोड, जहाँ पे आपको खुद से एरिया चूज करना पड़ेगा जहाँ पे आपका घोस्ट टच हो रहा है। अगर आपके स्क्रीन में एक स्पेसिफिक जगह पे ऑटो टच हो रहा है तो मैनुअल अच्छा रहेगा, और अगर कंप्लीट स्क्रीन में रेंडमली टच हो रहा है तो ऑटोमेटिक मोड अच्छा रहेगा। ये उन जगहों पे नॉन क्लिकेबल UI एलिमेंट क्रिएट कर देता है जिससे आप उस एरिया पे जितने भी क्लिक करो वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। आप उस UI एलिमेंट की कलर चेंज कर सकते हो या फिर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो जिससे आपको कोई भी विजुअल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम है जहाँ पे हमने अनरेस्पॉन्सिव बनाया है उसमें जो जो ऑप्शन है उनको एक्सेस करना। उसके लिए आपको ऑटो कर्सर को डाउनलोड करना पड़ेगा, ये भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और फाइल साइज 3 MB है। डाउनलोड होने के बाद इसमें भी कुछ परमिशन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और फिर इसकी मदद से आप उन जगहों पे क्लिक कर पाओगे जहां टच काम नहीं करता। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए आपको इन्हीं ऐप यूज करके काम चलाना पड़ेगा। मैं भी चला रहा था और रिसेंटली मैंने अमेजोन से एक्सचेंज कर दिया क्योंकि धीरे धीरे मेरा घोस्ट टच बढ़ रहा था। अब चाहे तो पूरी डिस्प्ले को भी बदल सकते हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि फिर से घोस्ट टच नहीं होगा। अब ये तो था घोस्ट टच के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है फ़ोन की बैटरी बैकअप कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे हीटिंग इशू को सॉल्व कर सकते हैं? तो इन सारे वीडियोस को देख सकते हो। एंड फाइनली सी यू सून।